हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ऑटो अपडेट के एक नए फ्रेश एपिसोड में। और हमेशा की तरह दोस्तों इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑटो इंडिया से जुड़े हुए कुछ फ्रेश अपडेट। तो दोस्तों वीडियो को मिस मत करिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको हर एक अपडेट बखूबी पता चले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सबसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है बजाज की तरफ से। यहाँ पे पहला अपडेट है बजाज डोमिनार 400 की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बजाज डोमिनार 400 के प्राइस में एक बार फिर से हाइक देखने को मिला है, यानी कि इसके प्राइस में 2000 की बढ़ोतरी फिर से कर दी गई है। और ये साल में चौथी बार हो रहा है कि डोमिनार का प्राइस फिर से बढ़ाया गया है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसकी जो डिमांड है मार्केट में मे बी की कुछ ज्यादा ही हो रही है, क्योंकि 400 cc सेगमेंट में ये पहली बाइक है जो कि जिसका प्राइस सबसे कम रखा गया है सारी सेगमेंट की बाइक की तुलना में। तो चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे बजाज वालों को फायदा भी हो रहा है और इसके जो उपभोग है जो कस्टमर है उन्हें भी संतुष्टि मिल ही रही होगी, तभी इसकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ रही है। और दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा अपडेट है वो है रॉयल इनफील्ड की तरफ से। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसके पहले जो मैंने अपडेट दिया था आपको, उसमें मैंने बताया था कि रॉयल इनफील्ड क्लासिक 500 पेगासस जिसकी ऑनलाइन बुकिंग 9 जुलाई से स्टार्ट हुई है 15 जुलाई तक। तो ये बुकिंग जैसे ही चल रही थी वैसे ही इसकी जो वेबसाइट से जहां से बुकिंग हो रही थी ऑनलाइन वो वेबसाइट ही क्रैश हो गई, जिसकी वजह से जो इसका बुकिंग डेट थी उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन कौन सी डेट रखी गई ये अभी फिक्स नहीं की गई है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसकी सिर्फ 250 यूनिट ही इंडिया में सेल की जाएंगी, लेकिन जब इसकी डेट आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। और दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है सुजुकी की तरफ से। जी हां दोस्तों, यहां पे सुजुकी की बहुप्रतीक्षित स्कूटी जिसका नाम है बर्गमन स्ट्रीट, जिसकी मैंने आपको बताई थी डेट की ये मतलब कब लॉन्च हो रही थी, वो डेट थी यहाँ पे 19 जुलाई की। लेकिन अब यहाँ पे इसका जो प्राइस है उसे भी रिवील कर दिया गया है और इसकी जो प्राइस रखी गई है वो रखी गई है 69,990 रुपये। तो यार प्राइस के हिसाब से तो वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हाँ इसका जो मुकाबला होगा वो सीधे सीधे TVS Ntorq के साथ होगा। और यकीन मानिए कि TVS Ntorq और बर्गमन स्ट्रीट दोनों ही इतनी गजब की कंपटीटर हैं एक दूसरे की, क्योंकि ये स्कूटी सेगमेंट में एक ऐसी स्कूटी आ रही है जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि ये फ्यूचर में अपग्रेड होने वाली स्कूटीज हैं, क्योंकि इनमें आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है टाटा मोटर्स की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे टाटा मोटर्स की मोस्ट अवेटेड कार यानी कि टाटा हैचबैक के नाम से हम इसे जानते हैं, टाटा 45X, जो कि बहुत ही अपने लुक की वजह से बहुत ही ज्यादा चर्चा में बनी हुई है और इसे बहुत से ज्यादा लोग बेसब्री से इसका इंतजार भी कर रहे हैं। तो ये देखने वाली बात होगी। और यहाँ पे टाटा मोटर्स ने इंडिया में बोला है कि वो इसे अगस्त तक इंडिया में लॉन्च कर, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि बहुत ही जल्दी हमारी सड़कों पे देखने को मिलेगा और इसकी सीधी सीधे टक्कर यहाँ पे बलोनो और प्लस i20 के साथ होगी। तो ये देखने वाली बात होगी कि ये कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाती है और इसका प्राइस इसके फ्यूचर को भी फिक्स करेगा, क्योंकि यहाँ पे टाटा की जो कार्स है वो बजट कार्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस होती है। तो मे भी उम्मीद कर सकते हैं कि ये भी एक ऐसी कार होगी जिसे एक मीडियम फैमिली के लोग भी परचेस कर पाएंगे। और यहाँ पे जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे हुंडई की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, हुंडई ने बोला है कि यहाँ पे 2018 की न्यू सेंट्रो इंडिया में बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है और हो सकता है कि वो भी अगस्त तक ही इंडिया में लॉन्च कर दी जाएगी। तो यहाँ पे जो सेंट्रो है हुंडई की वो बहुत ही सक्सेसफुल यूनिट रही है हुंडई की तरफ से। और ये देखने वाली बात होगी कि 2018 की न्यू सेंट्रो कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाती है पुरानी वाली सेंट्रो के अपेक्षा। और यहाँ पे जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे मारुति की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मारुति ने कहा है कि वो इंडिया में एक ऐसी बाइक लॉन्च करने सॉरी ऐसी कार लॉन्च करने वाली है जैसे जिसका नाम है अल्टो लॉपिन, वो लॉन्च करेगी, वो मीडियम फैमिली वालों के लिए स्पेशली होगी और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि इसका जो माइलेज होगा वो 25 से 26 किमी पर लीटर का माइलेज होगा और मीडियम फैमिली के हिसाब से जो इसकी प्राइस रखी जाएगी वो 3 से लेके 5 लाख के बीच में होगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि मतलब जो लोग कार के लिए सोच रहे हैं कि कोई ऐसी उनके हैचबैक कार मिल जाए जिनमें उनको अच्छा माइलेज में मिले, प्लस वो अच्छी परफॉर्मेंस भी रहे, प्लस उसकी सर्विस भी अच्छी हो, तो मे बी कि मारुति की आने वाली कार उनके लिए बिल्कुल बेस्ट हो सकती है। और यहाँ पे जो सबसे आखिरी अपडेट है वो है ट्रॉन्स की तरफ से। यहाँ जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ट्रॉन्स मोटर्स ने इंडिया में ट्रॉन्स 1 एक इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च कर दी है जिसकी प्राइस रखी गई है 49,999 रुपये। और इसकी खासियत ये है कि एक बार चार्जिंग में ये आपको 70 से 80 किलोमीटर तक चलेगी। तो मतलब एक प्रोग्रेस किया जा रहा है, एक अग्रेशन दिखाया जा रहा है इलेक्ट्रिक बाइक को लेकर। तो जरा सोचिए कभी ऐसा होगा कि पूरे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स होंगी तो कितना अच्छा होगा, हम एयर पोल्यूशन को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो ये एक अग्रेशन और हमें भी इसमें अपना अग्रेशन दिखाना ही चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पे कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक कार भी आएगी जिसका हम
यूज कर पाएंगे एक सिटी राइडिंग के लिए, एक सिटी कंफर्ट के लिए। अगर हमको सिटी में ही सिर्फ राइड करना है, लॉन्ग राइड पर नहीं जाना है, तो हमारे लिए इलेक्ट्रिक बाइक सबसे बेस्ट होगी। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट्स जो मैंने आपको बताया, उम्मीद करते हैं अपडेट आपको पसंद आए होंगे। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में कुछ नए फ्रेश अपडेट के साथ। तब तक सभी लोगों को हमारी तरफ से जय हिंद जय भारत।